अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे गौड़ धुरिया समाज सिद्धार्थनगर के कलेक्ट्रेट में जात प्रमाण पत्र को लेकर एक महीने से धरने पर बैठे गौड़ धुरिया समाज के लोग आपको बताते चले कि कई जिले में आदिवासी विकास सेवा संस्थान का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश से मांग करते हुए कहा गया कि हम लोगों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करें। वहीं जिलाध्यक्ष संतोष कुमार गौड़ ने कहा कि 31 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हैं। सांसद जी आए थे, आश्वासन दिया था कि हम जिलाधिकारी से बात करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोगों का कोई हालचाल लेने वाला नहीं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग सड़क रेलवे जाम करेंगे और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। हमारी मांग धुरिया अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों से लेकर के है और शासन के सारे आदेश होने के बावजूद भी जिला प्रशासन के लोग इसमें हीला हवाली कर रहे हैं। आए दिन डेली उनका आश्वासन यही रहता है कि बस आज करेंगे, कल करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे। इसमें माननीय सांसद महोदय जी भी हमारे धरना स्थल पर आकर के उन्होंने भी आश्वासन दिया कि जो है हम 2-3 से 4 दिन में हम दिखवा ले रहे हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय से बात करके आप लोगों का जात प्रमाण पत्र की समस्या को हम दूर कराएंगे, लेकिन अभी तक किसी भी जिले के शासन प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं उठाई गई की गई और आज हमारे धरने का ये 31वां दिन है। आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग जो है रोड को चक्का जाम करेंगे और जो है रेलवे ट्रैक का चक्का जाम करेंगे। अगर नहीं हमको जाति प्रमाण पत्र जारी किया तो हम आगे इससे बढ़कर भी आंदोलन हम लोग करेंगे। कितने दिन से आप लोग बैठे? हम लोग ये 31वां दिन है।